और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने नवनिर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में बिजली, पानी और विकास कार्यों को कराया जा रहा है। अमृत सरोवर और अन्य विकास कार्यों के होने से भारत को विश्व में अगली पंक्ति में खड़ा होने की एक कड़ी है। ये सवाल आज सुबह भी हमने हमसे आप जैसे ही एक मित्र ने पूछा था और उनको मैं याद कराया कि जब माननीय जी ने इन बातों को कहना शुरू किया था उन्हीं दिनों हमारे विधानसभा का सत्र चल रहा था। विधान परिषद में वो भी सदस्य हैं, हम भी सदस्य हैं। मैंने उनको एक सलाह दिया था अपने भाषण में। मैंने कहा था दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, फिर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा न हो। तो मैं ये मानता हूँ कि आज नहीं तो कल वो फिर से सनातन धर्म को अपनाएंगे। अभी भी छोड़ा है मैं ऐसा नहीं मानता, उन्होंने ऐसी कोई तिलांजलि दे दिया हो सनातन धर्म को ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, मेरी जानकारी नहीं है। लेकिन आज नहीं तो कल उसी सनातन धर्म की वो प्रशंसा करेंगे। उसी रामायण में, रामचरितमानस में एक जगह ये भी कहा गया है कि कुमति सुमति सबके उराई, वेद पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निदाना। तो ये कुमति पैदा करके अगर कोई चाहे कि वो बहुत सफल हो जाएगा राजनीतिक दृष्टि से या जीवन में, लोगों में बंटवारा करके, लोगों के मनों में विष फैला करके अगर कोई चाहता है कि हमारी राजनीति सफल हो जाएगी, ये कभी हुआ नहीं है और नहीं कभी होगा।